सो हेलो गाइज, आप सबके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का अट्रैक्टिव ट्रेंडिंग रिंगटोन स्टेटस बनाना सीखेंगे काइन मास्टर के द्वारा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। गाइज, इस तरह का ट्रेंडिंग रिंगटोन स्टेटस बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग भी अपने काइन मास्टर से इस तरह का ट्रेंडिंग रिंगटोन स्टेटस बनाना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का ट्रेंडिंग रिंगटोन स्टेटस वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, इस तरह का ट्रेंडिंग रिंगटोन स्टेटस बनाने के लिए आपको अपना फ़ोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना फ़ोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। गाइज, अगर आप लोग भी मेरे तरह एक प्रोफेशनल काइन मास्टर को यूज करना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप इसे वहाँ से बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। गाइज, आपको ऊपर में मीडिया का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। गाइज, आप अपना जो भी फोटो को रिंगटोन स्टेटस में लगाना चाहते हैं तो आप उस फोटो को यहां से सिलेक्ट कर लें। तो चलिए मैं यहां से एक मोबाइल वाला फोटो को ही सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको ऊपर कोने में सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि मोबाइल वाला फोटो यहाँ पे लग चुका है। गाइज, मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ ताकि देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। फोटो को फुल स्क्रीन में करने के लिए आपको फोटो के टाइमलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कई सारा ऑप्शन दिख रहे होंगे। फोटो को फुल स्क्रीन में करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। गाइज, अब आप अपना फोटो को थोड़ा सा जूम करके कुछ इस तरह से इसे स्क्रीन पे अच्छे से सेट कर दें। सेट हो जाने के बाद आपको इक्वल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको ऊपर सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि फोटो फुल स्क्रीन में सेट हो चुका है। गाइज, अब आपको इसके ऊपर अभी प्लेयर टेम्पलेट को लगा देना है। अभी प्लेयर टेम्पलेट लगाने के लिए आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। गाइज, आपका अभी प्लेयर टेम्पलेट जहाँ कहीं भी है आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा डाउनलोड फोल्डर में है तो चलिए मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है। इसे फुल स्क्रीन में करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में हो जाने के बाद आपको सही की चिन्ह पे क्लिक कर देना है। गाइज, आपको अब अभी प्लेट के टेम्पलेट को टाइमलाइन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। गाइज, अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक हो जाने के बाद आपको नीचे की ओर आना है। जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। देन ऊपर सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि इस पर अभी प्लेयर टेम्पलेट लग चुका है। गाइज, आपको फिर से अभी प्लेयर टेम्पलेट को टाइमलाइन पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको ऊपर कोने में 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके डुप्लीकेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जैसे ही डुप्लीकेट को सिलेक्ट करोगे तो इसका कलर देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। गाइज, अब आपको यहाँ पे लाइफ लाइन के PNG को लगा देना है। तो उसे लगाने के लिए आपको फिर से लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से लाइफ लाइन के PNG को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको इसे अच्छे से यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा देना है। ये लग जाने के बाद अब आपको इस स्टेटस में एक अच्छा सा सॉन्ग को लगा देना है। तो सॉन्ग को लगाने के लिए आपको ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपके फ़ोन के सभी सॉन्ग शो करेंगे। देन यहाँ से आप अपना कोई एक फेवरेट सॉन्ग को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। देन ऊपर सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रेंडिंग रिंगटोन स्टेटस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ग
गाइज अगर आप मेरा बनाया हुआ स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम करें। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत ही स्टेटस वीडियो भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के नए नए ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का नया नया ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो लाते रहता हूँ।